Hi everyone, welcome to JMWR, JE Advanced Experience. In this video, you will get 5 most important PYQ from binomial theorem. Clear? Generally, इसी टाइप के questions पूछा जाता है, इसीलिए इसी टाइप का questions को आपको अच्छे ढंग से तब तक practice करते रहना चाहिए जब तक आप perfect नहीं बन जा रहे हो. Practice till you perfect and perfect practice makes you perfect. Remember it, my dear friends. The coefficients of t to the power 24 in these expansions क्या होगा? So 1 plus t square root to the power 12, so this. तो आपको क्या करना है, देखो इसका expansions को लिखा और इसको simply multiply कर दिया. अभी coefficients of t to the power 24, देखो if clear, so this into 1, so that is 12, c 12 है, ठीक है, and this into 1, so that is 1, and t to the power 12, and t to the power 12, ab 12, c 6. ठीक है, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 2, 12 से 6 प्लस 2 है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ t टू द पावर 24. प्रूव दैट, सो दिस इज इक्वल टू एलसीके. ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा इसका क्या करोगे, आरएच टर्म को लिखना. सो दिस इज -1 टू द पावर r. सो यहीं से देखो, यहीं से आरएच टर्म लिख सकते हो, -2k-r NCR and N minus R, K minus R. ठीक है, अभी इसको ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया, इसको ब्रेक किया. यहीं पे देखो E टर्म तो कैंसिल हो रहा है, अभी ऊपर नीचे K फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, N minus K को इधर रखा, R फैक्टोरियल को इधर रख दिया, तो NCK into KCR. So this. अभी हमें क्या फाइन करना है, हमें तो सम फाइन करना है. सो दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 से k इनटू दिस. अभी यहीं पे देखो, इस पे तो r नहीं है, इसीलिए बाहर निकल लिया. सो दिस इज ये क्या है, बाइनोमियल जो एक्सपेंशंस है. ठीक है, सो दिस इज यहीं पे देखो, दिस इज 2 है, ये नेगेटिव है, 2 -1 होल टू द पावर k. इसका जो rh टर्म है, सो दैट इज दिस. ठीक है, rh टर्म का जो सम है, दैट वन विल रिप्रेजेंट दिस 2 -1 होल टू द पावर k, दैट इज 1. सो दिस इज nck. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू nck. इसे समझने का कोशिश करना, यहीं पे क्या करना है, पहले आरएच टर्म को लिखना है, उसके बाद सिंपलीफाई, बस नथिंग एल्स. इफ n -1 cr इक्वल टू k स्क्वायर -3 mcr +1, देन k लाइज इन दिस. सो दिस इज देखो, यहीं पे इसका जस्ट फॉर्मूला लिखा. सो दैट मीन्स क्या, ए जो है इन -1 cr, यहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर एन -1 सी ऑफ आर -1. इसे अप्लाई किया, देखो ये कैंसिल है, के स्क्वायर -3 का वैल्यू क्या है, आर प्लस वन बाई ए है, ए जो वैल्यूज है, सो दिस इज पॉजिटिव है, एंड इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1 है. ठीक है, सो दैट मीन्स यू हैव गॉट दिस. अभी स्क्वायर रूट ले लो, रूट 3 मॉडुलस ऑफ के 2 है. अभी इसका ये मॉडुलस ऑफ के इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इस रेंज में है, मॉडुलस ऑफ के इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये वैल्यू है. सो ये दोनों का जो कॉमन वैल्यूज है, सो के बिलोंग्स टू रूट 3 से 2 है. The value of this 30C0, 30C10, 30C1, 30C11, so like this, is क्या होगा, 1 plus x whole to the power 30 is equal to this, and x minus 1 whole to the power 30 is equal to this. ये दोनों को multiply करो, देखो यहीं पे ये दोनों का जब multiply करोगे क्या होगा, 30C0 into 30C10, तो x का index पर क्या है, 20 है, इसीलिए x का index पर 20 लिखा. ऐसा करके 30C1 next term this, 30C2 next term 30C12, 30C20 into 30C30 है, x का index पर क्या है, 20 है. So that means तुम्हें क्या find करना है, comparing the coefficients of x to the power 20 of both sides, so you'll get, ये देखो 1 minus x square whole to the power 30, ठीक है, so that means क्या 20 कम मिलेगा. ठीक है, x का index पर 20 कम मिलेगा ना, जब इसका index पर 10 होगा, 30C10 -1 to the power 10, ये तो positive है, so 30C10, ऐसा भी लिख option में दे सकते हैं, so 30C20. ठीक है, कि मैंने NCR इक्वल टू NCN माइनस R, सो माय डियर फ्रेंड्स दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस. फॉर R इज इक्वल टू 0 से 10, लेट AR, BR, CR डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर R इन दिस, देन दिस. सो AR इज इक्वल टू इज व्हाट, 10 CR, BR 20 CR, CR 30 CR. सो समेशन R इज इक्वल टू 1 से 10 AR, BR. ठीक है,
ER BR, ER to so this is 10 CR and 20 CR. Okay, so NCR is NCN minus R, 10 CR, 20 C, 20 minus R. इसका जो वैल्यू है देखो यहाँ पे 1 से शुरू है, सपोज 0 से शुरू होता 30 C 10 है, 1 से शुरू है इसीलिए 30 C 10 minus 1 है. ठीक है, तो यह 10 CR का स्क्वायर, इसका वैल्यू ये सब आपको स्टैंडर्ड एजन याद रखना पड़ेगा. C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस अप टू CN का स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट, 2NCN. ठीक है, 2NCN. सो दिस इज N का जगह पे यहीं पे क्या है देखो, N का जगह पे यहीं पे 10 है. ठीक है, सो दिस इज 20 C 10, यहीं पे 1 से शुरू है इसीलिए माइनस 1 है. कितना, C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर अप टू CN का स्क्वायर क्या था, 2NCN था, इसीलिए माइनस 1 है. अभी ये जो डेटा है इसको अलग अलग लिखा, अभी इसका वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड किया, यहीं पे पुट कर दिया. ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज B10 इनटू दिस माइनस, ठीक है क्लियर. सो दिस इज स्क्वायर C10 इनटू दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज स्क्वायर, सो दिस इज C10 माइनस B10. ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है C10 माइनस B10. अभी B10 क्या है, B10 तो 20 C10. देखो यहीं पे ये जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू ना सेम है, 20 C10 इनटू 30 C10. C10 मींस क्या, 30 C10 दोनों कैंसिल हो गया, तो यहीं पे क्या बचेगा, C10, और यहीं पे क्या बचेगा, माइनस B10. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस है, इसको समझने का कोशिश करना. So my dear friends, you have got 5 fantastic PYQ from binomial theorem. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel JMW. Thank you very much for watching me and listening my word. All the very best for your forthcoming JMW.